नमस्कार, आज मैं आपको भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा विकसित एक नई किस्म NRC 136 इसके बारे में जानकारी दूंगा। हमारे पूर्वी क्षेत्र के किसान भाई जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के राज्यों से आते हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक ये खुशखबरी होगी कि एक नई किस्म NRC 136 का विकास इस क्षेत्र के लिए किया गया है। हमारे पश्चिम क्षेत्र में सोयाबीन का रकबा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सूखे की समस्या की वजह से एक विपरीत परिस्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान द्वारा NRC 136 का विकास किया गया है। यह पाया गया है पिछले प्रयोगों के द्वारा कि इसका औसत उत्पादन 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है तथा अति उपयुक्त वातावरण में यह 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता रखती है। यह किस्म एक मध्यम ऊंचाई की किस्म है तथा इसमें सफ़ेद रंग का फूल आता है और इसकी पत्तियां नुकीली अंडाकार होती हैं। इसमें तेल की मात्रा 18% पाई जाती है और इस तरीके से यह किस्म जब सूखे की परिस्थिति आती है तो उस समय भी इस क्षेत्र के प्रचलित किस्मों के ऊपर यह लगभग 30% अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस किस्म की प्रमुख विशेषताओं में कि यह किस्म एक मध्यम अवधि की किस्म है जो कि 107 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और साथ ही साथ इसमें इंडियन बड ब्लाइट जो कि पूर्वी क्षेत्र की एक प्रमुख बीमारी है, इसके लिए इसमें प्रतिरोधिता क्षमता है और साथ ही साथ इसमें तंबाकू की इल्ली जो कि सोयाबीन का एक प्रमुख कीट है, इसके लिए भी इसमें प्रतिरोधिता क्षमता है। इस किस्म की यह विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इस किस्म को इन राज्यों के लिए नोटिफाई किया गया है, तो मेरी उम्मीद है कि इन क्षेत्रों के किसान भाई इस किस्म को अधिक से अधिक अपने खेतों पर लगाएंगे और जिससे कि उन क्षेत्रों के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी और लाभकारी किस्म साबित होगी। इस बात के लिए मैं किसान भाइयों को अभी से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह किस्म इन क्षेत्रों के लिए काफ़ी प्रचलित होगी। धन्यवाद।